स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, आप सभी को पता होगा कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है, यानी नोटिफिकेशन आ चुका है कब से ऑनलाइन होंगे, कब तक ऑनलाइन होंगे, साथ ही साथ एग्ज़ाम कब होगा और इसके बाद में कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। और एक चीज़ और याद रखना, जो पहले आएगा पहले पाएगा वो वाला भी सिस्टम है जो पिछली बार था। तो इस बार आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में फिर आप कहेंगे सर हमको ये सेंटर नहीं मिल पाया, सर हमको वो सेंटर नहीं मिल रहा। तो ये सारी भी दिक्कत इस बार भी आपको हो सकती है। तो सारी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में, कहाँ से आपको फ्री में हम नोट्स भी देंगे, कैसे मिलेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको बता दें जो एप्लीकेशन स्टार्ट हैं ऑनलाइन वो 27 तारीख से स्टार्ट होंगे और 26 तारीख तक चलेंगे। दूसरी चीज़, अगर लास्ट डेट सबमिशन की बात करें तो 26 तारीख को रात के 11:59 तक होगा, लास्ट डेट आपकी यही रहेगी। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जुलाई और अगस्त, यानी जुलाई और अगस्त में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। आपके पास कितना समय है वो आप सभी को मालूम है ना, यहाँ से ज्ञात हो गया होगा कि आपके पास में समय कितना है। तो आप किस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, क्या कुछ करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे भी वीडियो को। तो ये तो आपको पता हो गया कि कितने तारीख से फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, ये जानकारी जो है आपको प्रदान हो गई। एग्ज़ाम कब होगा, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा, ये भी आपको पता हो गया। अब देखो फॉर्म कौन कौन डाल सकता है, सीधी सी और सरल सी भाषा में अगर हम बोलें तो जिन बच्चों ने DLED या BTC जिसको बोलते हैं कर रखा है, जिन बच्चों ने BED कर रखा है, जिन बच्चों ने BED कर रखा है, BTC कर रखा है, 2 ईयर का कोई टीचिंग डिप्लोमा कर रखा है, वो स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ अगर आप एक पेपर से एग्ज़ाम देंगे, सिर्फ एक पेपर का, तो आपसे 1000 रुपये फीस पड़ेगी और दोनों पेपर का देंगे तो 1200 रुपये पड़ेगी। SC ST वालों के लिए एक पेपर 500 और दोनों पेपर 600 में है ना। तो आप सभी लोग ये भी याद रखना कि आपसे फ़ीस कितनी पड़ने वाली है। ज़्यादातर लोग दोनों फॉर्म ही डालते हैं, क्योंकि होता क्या है 200 रुपये का फ़र्क होता है। दोनों फॉर्म इसलिए डालते हैं क्योंकि वैकेंसी जो आ जाती है, कोई पता नहीं किस ग्रेड से वैकेंसी आ जाए, प्राइमरी से आ जाए या जूनियर से आ जाए, ये सारी चीज़ें। एग्ज़ाम जो होगा 2 शिफ्टों में होगा, Shift 1 और Shift 2। पहले शिफ्ट का 9:30 से 12 होगा, 2.5 घंटे का, दूसरे शिफ्ट का 2:30 से 5 होगा, 2.5 घंटे का। 2 शिफ्ट में आपका जो है एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करेंगे, एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। कहेंगे सर जी क्वेश्चन काहे काहे से आएंगे, तो 150 नंबर का पेपर रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसको आप लोग मनोविज्ञान बोलते हैं, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर की संस्कृत या इंग्लिश, 30 नंबर का मैथमेटिक्स, 30 नंबर का एनवायरनमेंट स्टडी, 30 नंबर का, यानी टोटली आपका जो पेपर रहेगा 150 का रहेगा, जिसमें आपसे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने हैं। तो आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है ना। यही 5 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। इसके बाद में अगर बात कर दें हम लोग सेकेंड पेपर की, तो जो आर्ट से हैं उनका सोशल साइंस रहता है, जो साइंस से हैं उनका साइंस रहता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, उनका मैथमेटिक्स एंड साइंस रहता है जो मैथमेटिक्स से होते हैं। जो लोग नहीं होते उनका सोशोलॉजी रहता है, बाद बाकी सारे सब्जेक्ट वही रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे हम आपको बताएं, आपने BA किया हुआ है, BA के बाद BSc या BTC की कर BED या BTC कर लिया है, तो BA वालों का क्या रहता है कि उनको जो पेपर करना रहता है वो आर्ट साइड का करना रहता है, 60 नंबर में सोशोलॉजी यानी सोशल साइंस। और जो साइंस से होते हैं जिनका मैथमेटिक्स रहता है, उन लोगों को मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन करने रहते हैं, ये पूरा आपका रहता है। तो आप सभी लोग, जो लोग अब हम आपको बता दें इस समय DLED कर रहे हैं, जिनका सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर है, वो लोग भी फॉर्म इसमें डाल सकते हैं, उन वो लोग भी एलिजिबल होंगे, वैलिड होंगे। और फॉर्म को डालने में बिल्कुल भी देरी मत करिएगा। ये नीचे सिलेबस है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे आपको अगले वीडियो में, जिसमें पूरा CTET का सिलेबस बता देंगे। कल वीडियो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में रुकना बिल्कुल नहीं है, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ से ही आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।